जगत पिता ब्रह्मा की पहली पत्नी और राजराजेश्वरी मां सावित्री माता की एक झलक पाने के लिए सावित्री पहाड़ी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। एक ओर जहां हजारों श्रद्धालुओं ने भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए मां के दरबार में हाजिरी दी, वहीं रोपवे के माध्यम से भी सैकड़ों महिलाओं ने पहाड़ी पर स्थित मां सावित्री के दर्शन किए। रोपवे की सुविधा से बुजुर्ग और असहाय महिलाओं की भी भारी भीड़ नजर आई। वैसे तो हर समाज और हर वर्ग की माता रानी में अटूट आस्था है, लेकिन राजपूत समाज का इस मंदिर से पुराना लगाव रहा है। पूरे प्रदेश से हजारों महिलाएं और युवतियों ने लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार कर अपनी आस्था प्रकट की। महिलाओं ने अखंड सुहाग के लिए 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता रानी को अर्पित की। शाम को अष्टमी के अवसर पर सावित्री पहाड़ी की तलेटी में भव्य मेले का आयोजन हुआ। इससे पूर्व मंदिर परिसर में होने वाले रात्रि जागरण सहित पूजा अर्चना के आयोजनों में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। मेले को लेकर पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। करीब 25 जवानों का जाप्ता सावित्री माता की पहाड़ी और तलहटी पर तैनात किया गया और खुद सीओ ग्रामीण विनोद सिपा भी मॉनिटरिंग करते रहे। मंदिर प्रबंधन की ओर से मेलार्थियों के लिए पहाड़ी की तलहटी में भंडारे का आयोजन किया गया, साथ ही पेयजल और अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई गई। मेले के मद्देनजर उड़न खटोले के समय में भी बदलाव किया गया। हालांकि इस बार सप्तमी को आने वाली महिला श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी नजर आई, जिसका सीधा असर रोपवे से होने वाली आमदनी पर देखा गया। यहाँ तो आने से बहुत अच्छा लगता है, कहते हैं मन्नत पूरी होती है और सब सुहागन और हर लेडीज बच्चियां सब आती है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आने के बाद। कहते हैं कि ये सुहाग देती है, सात फेरी देनी पड़ती है यहाँ के, हर साल सप्तमी और अष्टमी को फेरी देने आते हैं हम लोग। किस प्रकार पूजा करते हैं? पूजा यहाँ पे हम लोग माता जी के मेहंदी बिंदी और सारे सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, उनके बेस चढ़ाते हैं, यानी ड्रेस होती है माता जी की, चुनरी वगैरह होती है वो उड़ाते हैं, और यहाँ पे सात आरती होती है रात को, वो सारी आरतियों के दर्शन करते हैं हम लोग। आप पहले भी काफी समय से आ रहे होंगे, हाँ जी। ये जो रोपवे लगा हुआ है, हाँ जी, इससे आपको किस प्रकार सुविधा? सर रोपवे से बहुत फायदा हुआ है, ताकि कई लेडीज होती है जो बूढ़ी है, जिनके घुटनों में दर्द है, कई प्रॉब्लम है, वो नहीं चढ़ पाती थी, अब वो सब लोग दर्शन करने जा सकती है, और इससे बहुत फायदा है। कोई ज्यादा इसकी फीस भी नहीं है, आने जाने की भी किराया ज्यादा नहीं है, बड़े आराम से हम लोग दर्शन करके आ जाते हैं। यहाँ पे 7 मिनट तक लगातार पैदल चलना पड़ता है और उसके बाद उतरना ही पैदल पड़ता है। और यहाँ पे ऐसा कि जितने 7 साल तक हम चढ़ते हैं तो हर जन्म में स्वागन का वो प्राप्त होता है। और यहाँ पे मेहंदी लगाते हैं और माता पे रोली और ड्रेस वगैरह स्वागन के साथ ही रखते हैं ड्रेस के अंदर, और ये परंपरा आगे सारे बढ़ती होती है। मनोकामना हर जन्म सुहागन मिलता है। कितने सालों से आ रहे हैं? मेरा फर्स्ट है, मेरी मम्मा ने साथ कर लिया है, उनका लास्ट है। लास्ट ईयर से बहुत ही कम है, बहुत मतलब 1/4 है दर्शनार्थी। इसका वजह मुझे ये लग रहा है जो लास्ट ईयर में उन लोग को बहुत परेशानी उठानी पड़ी, जैसे धूप थी उसका कोई व्यवस्था नहीं था, पानी का व्यवस्था नहीं था, डॉक्टर का सुविधा नहीं था, इसी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी। इसीलिए हमारा अनुभव ये है, इसी वजह से शायद इस साल में बहुत दर्शनार्थी कम है। क्या आप जो रोपवे चलाते हैं, क्या उससे आमदनी पे कुछ फर्क पड़ा है? बहुत बहुत फर्क पड़ा है। 1/4 पैसेंजर है जो अभी 12 बजे का बाद अभी नीचे खाली चल रहा है, काउंटर खाली है, इधर पैसेंजर खाली, केबिन खाली चल रहा है, ऊपर से थोड़ा बहुत आ रहा है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।